नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नित्य की भांति जागो पंच आज भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया है। ज़्यादा समय बातों में ना गंवाते हुए मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो मैं वीडियो आपको बना के देने वाला हूँ वह अपने आप में एक आश्चर्यचकित कर देने वाला वीडियो है। वह वीडियो क्या है, अभी आप थोड़ा 10-15 दिन के आसपास में ही एक ऐसा त्यौहार आने वाला है जिसमें लोग रात में सड़कों पर जुलूस निकालकर या सड़कों के किनारे बड़े बड़े पंडाल सजाकर पूजा का, रात्रि में पूजा करने का प्रचलन है, जिसे हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो इस नवरात्रि के त्यौहार के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इन नवरात्र में जिसकी पूजा वो करते हैं उनके कृत्यों को यदि आज हमारे समाज की महिलाएं करने लग जाएं तो उसे अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जाता। इसी विषय में मैं आपको एक वीडियो बना के देने वाला हूँ आज, जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये पुस्तक है, लिखी गई है मूल निवासी पुरोधा समाज सम्राट महिषासुर, लेखक है डॉक्टर एसएम सीतम। अगर इन्होंने डॉक्टर एसएम सीतम है तो निश्चित तौर पर इन्होंने दुर्गा जी पे बहुत सितम किया है, यह इनके लेखों से, इनके पुस्तक में पता चल रहा है। ये कह रहे हैं, क्या दुर्गा मद्यपान करती थी, और यदि मद्यपान करती थी तो क्या हमारे समाज के लोग अपनी नारी, अपनी बहन बेटी, अपनी पत्नी को मद्यपान करते हुए अच्छा मानते हैं या पसंद करते हैं? अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो मद्यपान करती हुई अपनी बहन बेटी को पसंद करता है वह दुर्गा की पूजा करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह जब उसके इष्ट पी रहे हैं तो उसकी बहन बेटी पी रही है तो उसे तकलीफ नहीं है। लेकिन जिसे तकलीफ है उसे ये सोचना चाहिए कि क्या जो लिखा गया है दुर्गा के विषय में कि वह शराब पीती थी, तो क्या यह लांछन है या उनका महिमा मंडन किया गया है? यह सवाल मस्तिष्क में उठना चाहिए, और जिसने भी यह महिमा मंडन किया है वह जूते का हकदार है, क्योंकि एक नारी इस तरह की नहीं हो सकती। तो साथियों, आइए चलते हैं इस महिमा मंडन के विषय में, कैसे दिखाया गया है कि दुर्गा शराब पीती हैं, मद्यपान करती हैं। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 3 के श्लोक 34 में वर्णन किया गया है, चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान कर लाल लाल आंखें करके हंसने लगी, तथा श्लोक 36 के अनुसार बोलते समय दुर्गा का मुख यानी चेहरा मधु के मद से लाल हो रहा था और उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी। यहां प्रथम प्रश्न ये उठता है कि यदि वह मदिरा का उपयोग करती थी तो उस देवी अथवा सम्मानित नारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मदिरा व्यक्ति को सम्मान के लायक नहीं छोड़ती। आज भी आप समाज में देखते होंगे दारूबाज व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता है, और क्योंकि वह समझदारी की बातें नहीं करता, सड़कों तथा गलियों में पड़ा पाया जाता है, अथवा बिना मतलब के अच्छे व्यक्तियों के साथ निरर्थक झगड़े बकवास किया करता है। आज समाज में आप देखते हैं कि महिला हजारों में से कोई एक निर्लज्ज ही मदिरा पान करती है, और ऐसी नारी को समाज में सामाजिक समझदार नहीं समझा जाता, सम्मान नहीं किया जाता। फिर मद्यपान करने वाली दुर्गा को देवी अथवा पूजनीय कैसे बनाया गया और कैसे बनाया जा सकता है, यही सोचने का विषय है। क्या ब्राह्मण में इतनी शक्ति है कि वह अनर्थ को इतना बड़ा अर्थ बना दे कि लोग उसकी पूजा करने लग जाए? क्या ब्राह्मण इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि वह बोल देगा एक शराबी को कि ये हमारा देवता है, तो क्या आप उसकी, उस देवता, उस शराबी को पूजने लग जाएंगे? क्या आपके पास अपना इतना विवेक नहीं है कि एक छद्म वेशी षड्यंत्रकारी साजिश करता आपको बता दे
कि यह सुअर है लेकिन यह सुअर भगवान का अवतार है, तो क्या आप उसे भगवान मान लेंगे? ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यही हमारे इस पुस्तक का मकसद है। जो लिखा गया है सम्राट महिषासुर मूल निवासी पुरोधा, यही आप तक जो लिख के ये पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये बताने का काम कर रहे हैं कि कैसे आपके दिमाग में षड्यंत्र पूर्वक शराबी मवाली लोगों को भगवान बना के रिप्रेजेंट कर दिया गया है। जो सुरा सुंदरी में मस्त रहते थे उन्हें भगवान बना दिया, जो न्यायप्रिय थे उन्हें असुर बना दिया। यही समझने की बात है और ध्यान देने योग्य बात है। आगे चलते हैं पुस्तक के अंशों पर। अब देखिए, यदि दुर्गा सप्तशती में विश्वास करने वाले ये कहें कि मधुपान का अर्थ मदिरा नहीं होता, तो मधु शब्द को शहद कहते हैं, तब प्रश्न उठता है मधु शहद ना तो नशा कर सकता है और ना उसके पीने से आंखें लाल हो सकती हैं और ना चेहरा लाल, इसके प्रयोग से जुबान भी नहीं लड़खड़ाएगी। किंतु दुर्गा सप्तती में वर्णन है, दुर्गा ने महिषासुर से बोला, दुष्ट रुक जा, जरा मैं मधुपान कर लूं। दुर्गा सप्तशती में यह भी वर्णन हुआ है, मधुपान करके दुर्गा की आंखें और चेहरा लाल हो रहा था, तब जुबान लड़खड़ा रही थी। फिर कैसे मान लें कि दुर्गा ने शहद पिया था? सबसे बड़ा सवाल कि आपको आप मधुपान या किसी ऐसे पेय पदार्थ की बात करते हैं, जैसे रामायण में किथई सुरा और ऐसे करके बहुत सारी सुरा, 8 सुरा का जिक्र किया गया है रामायण में, और वो सुरा जो है वह उसका शराब से कोई लेना देना नहीं था, नशे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके पीने के बाद वह इंजॉय करते थे अपने पार्कों में जाके, यानी बिहार में जाकर अपने उपवन में जाकर इंजॉय करते थे और वह वहां शहद पिया करते थे, शरबत पिया करते थे। भाई जब जहां पे बहुत सारी नर्तकियां नाच रही हो और वहां पर वह शरबत पियेंगे बैठ के, ऐसा दिखाया गया है, क्या ये आज बताने का ये काम कर रहे हैं बचाने के लिए उन्हें, तो क्या ये समझदारी की बात है कि सामने वाला एकदम बेवकूफ है कि वो राजा महाराजा है, सामने मांस रखा हुआ है और वह शिकार करने जा रहा है, वह शिकार ये सब खाली देखने के लिए शिकार करने गया है, क्या उसका अचार बनाएगा, मांस का अचार भी बनाएगा तब भी खाएगा? यानी निर्दोष जानवरों को जा रहा है मारने और उन निर्दोष जानवरों को मार के वहीं छोड़ देगा, ऐसा क्या लगता है आपको? और जिसे लगता है वह अंधविश्वास के कुएं में डूब चुका है, उसे बचाने की जरूरत है, उसको मानसिक रोग डॉक्टर को, जो मानसिक रोगी के जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाने की जरूरत है। तो साथियों आगे चलते हैं, इस पर दूसरा प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो महिला नशे में इतनी धुत हो जाती हो कि उसकी आंखें लाल हो जाए, उसका चेहरा लाल हो जाए और बिना बात हंसने लगती हो, जिसकी जुबान भी लड़खड़ा जाती हो, अर्थात कहना कुछ चाहती हो बोल कुछ निकलते हो, भला ऐसी अकेली नशेबाज कन्या विशाल सेना के सम्मुख कैसे लड़ सकती है? उत्तर, सभी जानते हैं कि ऐसा नारी लड़ ही नहीं सकती। अब भी आप मदिरा पान में उन्मत्त व्यक्ति को देखें, जैसे कोई नशे में होता है, आप उसको देखें जिसका चेहरा लाल पड़ रहा हो, कुछ से कुछ बोल रहा हो, उसका शरीर काबू में नहीं हो, वह लड़ने में सक्षम नहीं रहता, सिर्फ गालियां ही बक सकता है। इस तार्किक व्याख्या को पढ़कर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, वैज्ञानिक यही कहेगा कि जिसके साथ कोई सेना ना हो वह दुर्गा वीर महिषासुर से युद्ध नहीं कर सकती। ये सभी वर्णन मार्कंडेय पुराण के लेखक किसी ब्राह्मण ने दुर्गा की झूठी वीरता का महिमा मंडन किया है, जो कपोल कल्पित है। ऐसा इस पुस्तक जो सम्यक प्रकाशन की है, और पुस्तक का नाम आप सभी देख भी चुके हैं और ये आपके सामने स्पष्ट हो गया कि क्या दुर्गा नशेबाज थी, क्या दुर्गा नशा करती थी, क्या दुर्गा शराब पीती थी। यदि ऐसी दुर्गा
को हमारे समाज में रिप्रेजेंट किया गया है तो यह एक नारी के माथे पर कलंक लगाया गया है। नारी के माथे पर यह कलंक हमारा समाज सहर्ष ढो रहा है, उसे सच्चाई बिल्कुल मालूम नहीं है कि कैसे एक नारी के दामन पर दाग लगा दिया गया और उसे देवी बना दिया गया। यानी जिसका भी ये सील हरण करेंगे, जिसका ये चरित्र हनन करेंगे, उसे ये देवी बना देंगे और आप सहर्ष उसकी पूजा करने में लग जाएंगे, क्योंकि आप यह नहीं देख सकते, आप यह नहीं समझ सकते कि मुझे बताया और दिखाया क्या जा रहा है। आप यह नहीं देखना चाहते कि वास्तव में कैसे एक नारी के दामन पर धब्बा लगाया गया है और यह धब्बा लगाने वाले शातिर बदमाश लोग कौन हैं। तो साथियों, आज का यह वीडियो, दुर्गा क्या मद्यपान करती थी, दुर्गा क्या नशा करती थी, आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है आप सभी लाइक करें, और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा, नमस्कार।